अपना दिल तो आवारा। अबे लाइटर ले रहा हूँ। एक सेकंड दियो। हाँ ये ले। हाँ निकल चलो, हो गया मोए मोए पोसड़ी के जाके वीडियो रिकॉर्ड कर। फ्रेम सही आ रहा है? मोए मोए एंजॉय किया आप लोगों ने? मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। हमारे वीडियोस में वॉइस का थोड़ा सा इशू आ रहा था तो अभी मैंने वायरलेस माइक परचेज कर लिया, तो अब की जो वॉइस आ रही है वो वायरलेस माइक से रिकॉर्ड हो रही है और स्टार्ट वाला पार्ट उससे रिकॉर्ड नहीं था। तो आप लोग वीडियो देख के बताइएगा कि वॉइस क्वालिटी है बेहतर हुई। खैर आज की वीडियो जो है वो माइक के वाले से नहीं है, माइक पे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब दूंगा जो यूट्यूब स्टार्ट करने से लेके अब तक मुझसे किए हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब को कवर करेंगे। जैसे कि मेरे क्रू में कितने लोग हैं, हम लोग वीडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या इक्विपमेंट है मेरे पास, मैं क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ, तो वो मैं आज की वीडियो में कवर करूंगा। मैं भी एक दो सवाल और भी कवर कर दूँ। वक्त को बगैर जाया किए वीडियो को आगे लेके चलते हैं। वीडियो शूट करने के चार सिंपल स्टेप हैं हमारे और चार ही हमारे क्रू में लोग हैं, तो एक एक करके सारे स्टेप बताता हूँ और सबसे आपको मिलवाता हूँ। तो चलते हैं पहले स्टेप की तरफ। स्क्रिप्ट पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप। मैं लेटे लेटे मेरे दिमाग में कोई भी ख्याल आ जाता है, मेरे पास में हर वक्त नोटपैड पड़ा हुआ होता है और मैं वो लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। क्या लिख रहा है? रेड लिख लिया। ठीक है, लिख लिख लिख, शाबाश। दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। स्क्रिप्ट कंप्लीट करने के बाद हमारा दूसरा स्टेप है सेटअप। जब स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाती है मैं सब चीज़ों को अरेंज करता हूँ, अपने पूरे सेटअप को रेडी करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज तो नहीं है, मगर जो है मेरे पास दो ट्राइपॉड हैं, दो माइक। दो क्यों? तीन। तीन क्यों? बोया वाला तो खराब हो गया। वायरलेस माइक नहीं खरीदा? हाँ, वायरलेस माइक भी परचेज किया है। तो तीन माइक, दो ट्राइपॉड, एक फ़ोन। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं फ़ोन से सब कुछ रिकॉर्ड करता हूँ, तो यही सब कुछ है जिससे मैं अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ। अच्छा, ये सब करने के बाद हमारा तीसरा स्टेप शुरू होता है जो कि रिकॉर्डिंग। ये सब करके मैं कैमरा के सामने बैठ जाता हूँ और अपने स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करता रहता हूँ, बार बार रीटेक देता हूँ जब तक परफेक्ट शॉट नहीं आता। फ्रेम रेडी है? एक मिनट, चलते हैं हमारे फोर्थ स्टेप की तरफ। स्क्रिप्ट, सेटअप और रिकॉर्डिंग, ये सब कंप्लीट करने के बाद हमारा चौथा स्टेप जो आता है वो है वीडियो एडिटिंग। और वैसे मेरे पास लैपटॉप भी है, मगर मुझे फ़ोन में वीडियो एडिटिंग करना जो है ज़्यादा आसान लगता है कि मैं लेट के बैठ के कहीं पर भी जो है वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। क्या कर रहा है? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ ट्यूटोरियल दे दूँ। मगर ट्यूटोरियल की तरफ जाने से पहले, ये जो आप खूबसूरत सा नियॉन देख रहे हो, ये मुझे तनवीर सेठ ने गिफ्ट किया है मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच तनवीर भाई। तनवीर भाई जो है मल्टीपल मॉल्स के इवेंट प्लान करते हैं और बहुत ज़बरदस्त इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, तो मैं इनकी आईडी जो है वो कमेंट पे पिन कर दूंगा। आपको इंटीरियर के रिलेटेड कोई भी काम हो या फिर आपको कोई भी इवेंट प्लानिंग करवानी हो तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब चलते हैं हम लोग ट्यूटोरियल की तरफ। आ जाओ। पहली चीज, ये पूरे तरीके से ट्यूटोरियल तो नहीं होने वाला, टेक्निकली ट्यूटोरियल है, लेकिन अगर आप हाउ टू क्लोन यूर सेल्फ लिख के यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको हज़ारों लाखों यूट्यूब ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। तो बेसिकली मैंने ये कैसे किया मैं आप लोगों से ये शेयर करने वाला हूँ, मैं आप लोगों को अपना प्रोजेक्ट की टाइमलाइन दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं मेरे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन की तरफ। अगर आपको सेम प्रोजेक्ट के मल्टीपल डुप्लीकेट्स दिख रहे होंगे, अच्छा ऐसा इसलिए, ये एक प्रो टिप है कि मैं जब भी अपने किसी प्रोजेक्ट को एडिट कर रहा होता हूँ तो प्रोजेक्ट को फाइनल होने के बाद मुझे अगर उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं तो मैं उसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ, और फिर वो चेंजेस अगर मुझको बेहतर लगते हैं तो मैं पुराना प्रोजेक्ट डिलीट कर देता हूँ, और वो चेंजेस मुझे पसंद नहीं आते तो मैं नया प्रोजेक्ट डिलीट कर देता हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरे पास
एक बैकअप बना रहता है बजाय इसके कि मेरी ओरिजिनल फाइल जो है वो ख़राब हो जाए। अब हाउ टू क्लोन योर सेल्फ, अपना खुद का क्लोन बनाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है। नंबर वन, आपके पास ट्राइपॉड होना लाजमी है। अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं होगा और आप वीडियो को हैंड हेल्ड बनाओगे तो आपकी फुटेज में शेक आएगा और आपका वीडियो ऐसा दिखेगा। अच्छा, रिक्वायरमेंट नंबर टू, आप लोगों को स्टेबल लाइट चाहिए होगी। स्टेबल लाइट से मेरा मतलब कोई फैंसी लाइट नहीं है, मतलब आपकी लाइट जो है वो स्टेबल होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी लाइट हो। लाइट फ्लिकर नहीं करनी चाहिए। दूसरा, लाइट अपना कलर चेंज ना कर रही हो, कलर वेरिएशन को चेंज ना कर रही हो। जैसी लाइटनिंग है स्टार्ट टू एंड सेम लाइटनिंग रहनी चाहिए, वरना आप लोगों का प्रोजेक्ट ऐसा दिखेगा। अब तीसरी और सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट जो है वो है स्क्रिप्टिंग। जितना हो सके आप लोगों को स्क्रिप्ट को टाइम देना है कि क्या, कब, कैसे होगा, आप क्या रोल प्ले करने वाले हो। जाहिर सी बात है कि अगर आप लोग अपना खुद का क्लोन बनाओगे तो कोई रोल प्ले करोगे, तो आप लोग क्या रोल प्ले करने वाले हो, क्या वो रोल आपस में डिस्कशन करने वाले हैं, क्या एक्ट करने वाले हैं, क्या टाइमिंग्स होने वाली है, तो ये सब आप लोगों को पहले से स्क्रिप्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोग स्क्रिप्ट नहीं करोगे तो आप लोगों की वीडियो कुछ इस तरीके से दिखेगी। यहाँ पे तीनों रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने फ़ोन को ट्राइपॉड पे लगा लिया और अपने फ्रेम को सेट कर लिया। मेरी लाइटिंग स्टेबल है और मैं स्क्रिप्ट पहले से कर चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे सीन ये, हम लोग ऐसा एक्ट करने वाले हैं कि मैं बैठा हुआ लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ और मेरा दूसरा वर्जन जो है वो सिगरेट पीने के लिए आएगा। वो जैसे ही सिगरेट लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाएगा, मैं सिगरेट जो है वो पीछे कर लूँगा और वो बेचारा अपनी शर्म छुपाने के लिए लाइटर उठा लेगा। खैर, मोए मोए फिर भी हो जाएगा उसका। और तो मैंने यहाँ पर पूरे एक्ट को जो है ना सेम फ्रेम के अंदर रिकॉर्ड कर लिया है। पहले अपना लैपटॉप यूज़ करने वाला वर्जन, उसको पूरे को रिकॉर्ड किया और फिर वो सेकंड वर्जन मैंने यहीं पे जो है सेम फ्रेम में रहते हुए अपने यहीं पे क्लोथिंग चेंज की और दूसरा वाला एक्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया, आके लाइटर उठाने वाला। मैंने इस पार्ट को इस वजह से नहीं काटा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि सेम फ्रेम में रहना है, कैमरा को हिलाना नहीं है। अब चलते हैं ट्यूटोरियल वाले टाइमलाइन की तरफ। मेरी अनएडिटेड वीडियो कुछ इस तरीके से दिख रही है और अब मुझे इसमें से कुछ जो है अननेसेसरी पार्ट वो रिमूव करने हैं। जैसे मैं जहाँ पे क्लोथिंग चेंज कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी कट लगा के रखे हैं, वो आप लोगों के सामने मैंने यहाँ से डिलीट किया। और स्टार्ट का पार्ट जहाँ पर मैं आके बैठ रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक कट लगा के इसको भी डिलीट कर दिया। बस दो सेपरेट क्लिप्स हो चुके हैं और सिंपल जो छोटा वाला पार्ट है मैं उसको ओवरले पे कन्वर्ट करूँगा। और इस ओवरले वाली वीडियो को आपने अपनी मेन टाइमलाइन के ऊपर प्लेस कर देना है। अच्छा, ओवरले पे लाने के बाद आपने सिंपल मास्क के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ मास्क के आपको मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे हैं। मेरे केस में जो है सर्कल वो काम कर रहा है, आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। सर्कल मास्क को मैंने सिलेक्ट करके अपने क्लोन के ऊपर लाया और मैंने यहाँ से मास्क को इन्वर्ट कर लिया। साइज को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मेरे आपको दोनों क्लोन दिख रहे होंगे। इतना साइज मेरे हिसाब से ठीक है। और अब पहले हम लोग एक्ट को परफेक्ट करते हैं, उसके बाद मास्क को परफेक्ट करेंगे। इस पार्ट पे यहाँ मैं पीछे से आया और इसने पीछे पलट के देखा, मैंने लाइटर की तरफ हाथ बढ़ाया और इसने सिगरेट उठा लिया। परफेक्ट है ये। इसके बाद का हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, मैं कट लगा के यहाँ पर इसको रिमूव कर रहा हूँ। और इससे पहले का भी मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे कट लगा के उसको भी रिमूव कर रहा हूँ।
और ये हमारा बन गया हाउ टू क्लोन योर सेल्फ। इस तरह से आप अपना खुद का क्लोन बना सकते हो और मल्टीपल शॉट्स जो है वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर अपने 3 से 4 शॉट जो है वो प्लान किए थे और इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए मैंने मल्टीपल एंगल्स जो हैं वो भी स्क्रिप्ट किए और एक्सपेरिमेंट किए। तो आप लोग भी अलग अलग चीज़ें जो है वो ट्राई कर सकते हो और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। एक सवाल के पीछे पूरी वीडियो 10 मिनट की निकल गई। इंशाल्लाह बाकी के सवाल जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।